शोर शराबा हो रहा है, बोलते ही नहीं देख रहे हैं। सुबह से अपनी बस जानी यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर अपन करते हैं। आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, तो भाई लोग आए थे नींबू पानी पीने और भैया जी नींबू पानी बना रहा है। ये देखो कौन सा एरिया भाई साहब, ये जी दमेल, दमेल, दमेल। तो दोस्तों ये दमेल आए थे, ये न्यू जगदम्बा राइट। तो भाई साहब, भाई साहब दोस्तों अपन निकल चुके थे जम्मू से और कटरा जाने निकल रहे थे, तो बीच में एक ढाबे पे आके रुके हुए। ये देख सकते हैं ये न्यू जगदम्बा ढाबा है दोस्तों, यहाँ पे आके अपन थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा जूस की दुकान पे बैठे हुए थे, तो सोचा नींबू पानी पी लें। मैंने कहा नींबू पानी पिया तो आप लोगों को व्यू भी दे देता हूँ, जैसे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ से पहाड़ी पे इलाका है, मस्त लग रहा है दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों आ गए थे रूम में और रूम का हमने रूम लिया है, फोटो देता हूँ। ये देखिए ये पीछे टीवी लगा हुआ है और मैं आपको आपको फ्रंट एक साइड से आपको पूरा रूम का टूर दे देता हूँ एक बार। दोस्तों ये रूम है, ये पूरा सामान रखा हुआ है, ये टीवी है और मैं आपको एक बार वॉशरूम बोर्ड दिखाता हूँ। ये गेट हो गया और ये पूरा वॉशरूम एरिया है, गीजर लगा हुआ नहाने के लिए, ठंडा गर्म दोनों आएगा, बाल्टी भी है, डब्बा भी है। तो हेलो दोस्तों, ये पीछे देख रहे हैं इंदिरा पैलेस, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। अब हम लोग यहाँ से क्या है नाश्ता वास्ता का, मतलब खाना वाना खा के और फिर ऊपर यात्रा करेंगे, चढ़ाई करेंगे, मतलब यहाँ टिकट विकेट वगैरह जो भी होता है इनका लेके, उसके बाद अपन ऊपर चढ़ेंगे फिर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर दी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर ट्रैफिक देख लीजिए सामने से क्या लग रहा होगा, चल रहा है अपन धीरे धीरे। तो दोस्तों ये वहाँ से होती है अपनी यात्रा की स्टार्टिंग, ये देखिए पहाड़ी ऊपर तक देखा है मैंने, पूरी पहाड़ी है। यहाँ से अपन लोग यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं और थोड़ी देर बाद अपन पर्ची लेते हैं, वो पर्ची लेने के बाद आपको पर्ची बताते हैं। तो दोस्तों यात्रा पर्ची भवन में घुस चुके हैं अंदर और बस लाइन में लगे हुए हैं, जैसे ही पर्ची मिलती है ये देख लो अंदर का नज़ारा, सबको लाइन में लग के मिलती है, लेडीज और जेंट्सों की अलग रहती है। तो दोस्तों ये मिला है अपने को आईडी कार्ड, ये देख सकते हैं ये ऊपर जाने के लिए आईडी कार्ड है, हालांकि वापस करना पड़ेगा लौटते समय। ये टांगने के लिए भी दे दिया बढ़िया से, ये सामने देख रहे ना दोस्तों, ये यहीं मिलती है इस यात्रा पर्ची, ये सामने देख रहे हैं ना, हाँ पर्ची यहीं मिलती है। तो दोस्तों व्यू देखो और व्यू का मज़ा देखो, तो यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे, मतलब बनाने दे रहे हैं क्या पीछे से, लेकिन गाड़ियाँ आ रही ना उस चक्कर में, बट मैं व्यू दिखाने पीछे तक। भाई लोग ऑटो की तो बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई है, देख रहा ऊपर से दिखाता हूँ, मुझे बहुत भीड़ लगी है, देखो ऐसा भी नहीं खाली है, कुछ कुछ भरे भी हैं ऐसे ये भरे। हाँ जी, तो दोस्तों ये है एंट्री गेट, मतलब यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो जाती है, सामने जो गेट देख रहे हैं और एलईडी भी लगा हुआ है, माता रानी के भजन चल रहे हैं। तो यहाँ से ये दोस्तों अपनी यात्रा स्टार्ट होती है और टाइमिंग बता दूं मैं, टाइमिंग हो रहा है अपना कितना हो रहा है, 3:30 हो रहा है, देख सकते दोस्तों 3:30 बजे अपन लोगों ने यात्रा यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखते हैं सुबह अपन लौटते हैं तो कितने बजे।
हाजी तो दोस्तों चढ़े, धीरे धीरे चढ़ना है। वो चढ़ने के बाद बहुत बुरे हाथ पाँव दुख रहे हैं। अभी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चढ़े होंगे और पूरे ही थक गए। मतलब धीरे धीरे चढ़ेंगे अपन लोग। देख रहा हूँ पूरे माथे पर पूरा पसीने पसीना हो रहा है। और अभी एक दुकान के सामने बैठे हुए थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और सामने पूरे रोड पर बरसात भी हो रहा है, तो एक ये टास्क अलग और बन गया है। बरसात से गीला भी हो रहा है और गीले के साथ सब पसीना भी आ रहा है, थक भी रहा है। तो ये देखिए सब लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है इच्छापूर्ण देवी मंदिर। ये सामने देखिए, आप पढ़ सकते होंगे शायद, इच्छापूर्ण देवी मंदिर। ये सामने का नज़ारा दोस्तों, मैं थोड़ा हवा के बोल रहा हूँ, तो थोड़ा देख लेना यहीं चढ़ने में थोड़ा हवा। तो दोस्तों ये देखो, रास्ते में पूरे आपको पूरे रास्ते में दुकानें मिलेंगी। और यहाँ पे पिड्डू वगैरह, पालकी, घोड़ा, सभी कुछ है। धीरे धीरे अपन भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो दोस्तों आप देख चुके हैं वही एरिया है चरण पादुका। मम्मी आगे चलो मंदिर के अंदर जाने का, आगे चलो तुम लोग आ रहे हो। ये पूरा चरण पादुका, आगे चलो कहीं बारिश। अपन थोड़ा बैठ के फिर से आराम करवा रहे हैं। पसीना बहुत आ रहा है दोस्तों, क्या बताओ, भयंकर पसीना खाने का। सर तो गीली हो गई, बर्फ में स्वेटर गीली हो गई, ऊपर जाके ठंड के मारे भयंकर हाल होने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए, पानी फिर गिरने लगा और फिर अपन लोग चल रहे हैं धीरे धीरे यात्रा की ओर आगे बढ़ते हुए। और सब लोगों ने बरसात पहनी, अपन तो फूल गीले हो गए, मज़ा आ रहा है। लेकिन गीले होने के बावजूद बस यात्रा का व्यू देखते चले। और जय माता दी। हाजी तो दोस्तों चढ़े, धीरे धीरे चढ़ना है। और चढ़ने के बाद बहुत बुरे हाथ पाँव दुख रहे हैं। अभी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चढ़े होंगे और पूरे ही थक गए। मतलब धीरे धीरे चढ़ेंगे अपन लोग। देख रहा हूँ पूरे माथे पर पूरा पसीने पसीना हो रहा है। और अभी एक दुकान के सामने बैठे हुए थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखो, ये है चरण पादुका का मंदिर। पूरा बहुत काफ़ी बड़ा मंदिर है वैसे, ये देख सकते हैं। हालांकि हम लोग ने तो अंदर दर्शन कर लिए। अब मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को एक बार बाहर से और व्यू दिखा देता हूँ। तो पूरा व्यू देख लो आप। ये रास्ता जा रहा है अपना ऊपर पहाड़ी की तरफ, और ये जा रहा है नीचे की तरफ। देखो दोस्तों बड़ा अलग ही वाइब। दोस्तों पानी अलग नहीं मान रहा, और ये पिड्डू घोड़े वाले अलग नहीं मान रहे, ये अलग लगे हुए पीछे। और अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। हमारा चलने में तो आवाज़ का थोड़ा देखना दोस्तों, आवाज़ थोड़ा हो सकता है हाफी आप ही सी आए, क्योंकि थक गए चल चल के। पकवानी का भी मज़ा अलग हो रहा है। बस चलते रहो चलते रहो, और पहुँचते हैं ऊपर। तो दोस्तों ये देखो, रास्ते में पूरे आपको पूरे रास्ते में दुकानें मिलेंगी। और यहाँ पे पिड्डू वगैरह, पालकी, घोड़ा, सभी कुछ है। धीरे धीरे अपन भी आगे बढ़ रहे हैं। आज तो दोस्तों 32 सीढ़ी चढ़ के आए। 32 सीढ़ी चढ़ने में इतनी खतरनाक हालत ख़राब हुई कि हम लोग बैठे सामने देख रहे होंगे, यहाँ 32 सीढ़ी है, ज़्यादा नहीं है, 32-34 होगी फिर भी। लेकिन हम लोग थक गए, हमने सोचा थोड़ा सा आराम कर लो। और ये देख लो सामने से ही चढ़ाई, और ये उतार दोस्तों, बड़ा मजा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम इतने नीचे से आ चुके ऊपर। ये सामने वाइट वाइट देख रहे हैं ना, यही बिल्डिंग है, उन्हें इतने नीचे से आ रहे हैं अपन। हाँ जी, तो दोस्तों धीरे 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 चल के अर्धकुमारी में यहाँ से बचा है 1.5 किलोमीटर के आसपास। मतलब लगभग हम लोग 3 या 4 किलोमीटर कर लिए होंगे कवर। बस यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है अर्धकुमारी। आप लोग देख सकते हैं चल चल के मेरे खुद हालत ख़राब हो रही, हाँसी सर्दी जुकाम सब हो रहा है। लेकिन क्या करें, चलना तो पड़ेगा और अपन चल के मानेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये घोड़ा गाड़ी जा रही है, सॉरी घोड़ा जा रहा है। और ये देख लें, और ये यात्री यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, थक गए होंगे ये भी लोग भी। हाँ जी, तो दोस्तों अर्धकुमारी से हम लोग सिर्फ 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर दूर होंगे बस अर्धकुमारी से, और बस जस्ट पहुँचने वाले हम लोग। अब मैं वहाँ पर आपको पहुँच के बताऊँगा कि हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया अभी
और कितने घंटे में कवर किया। हालांकि हम लोगों ने 3:30 बजे से स्टार्ट की थी जर्नी, और अभी जो टाइम हो रहा है अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पहुंच के मैं आपको टाइम बताऊंगा कि हम लोगों ने ये बीच का डिस्टेंस कितने घंटे में कवर किया है। दोस्तों ये है इंद्रप्रस्थ भोजनालय, ये देखिए श्राइन बोर्ड की तरफ से, आप लोग चाहें तो यहाँ के आराम से खाना खा सकते हैं, बिल्कुल रीजनेबल रेट पर मिलता है यहाँ पर खाना। हम लोगों ने तो खैर नीचे खा लिया था, बट आप लोग यहाँ आके खा सकते हैं। दोस्तों ये भी देख सकते हैं, ये बाईपास है, यहाँ से अलग भी हो सकता होता है, मतलब लिखा है बाईपास पोनी पॉइंट। दोस्तों सामने से आप व्यू पॉइंट देखिए, एक नंबर व्यू पॉइंट दिख रहा है, तो भयंकर घने छाए हुए हैं। हाँ जी, तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी, सामने देखिए मंदिर माता रानी का, अभी मतलब आधी चढ़ाई की है और पहुँच चुके हैं अपन लोग अर्धकुमारी 2 घंटे में कवर के लिए दोस्तों बनने से। और यहाँ सामने देखिए लोग यात्री जा रहे हैं, धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं, बस चलते चल रहे हैं। तो दोस्तों एक पर्ची तो ले लिए थे, और पर्ची लेने के बाद वो अंकल कहते हैं कि भैया यहाँ वीडियो मत बना। हमने कहा भाई क्यों नहीं बना सकते, कहना नहीं भी तुम्हारा यूट्यूब बंद हो जाए। मैंने कहा भैया ठीक है, आपने जैसा बोला हमने वैसा मान लिया। हमने को भी नहीं मालूम थे कि वीडियो बना सकते नहीं बना सकते, लेकिन हमने बोला तो अपन रुक गए। मैंने कहा ठीक है, और आप लोगों को पर्ची दिखा देता हूँ, हम लोगों ने जो गर्भजून की पर्ची ली है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि अपने अर्धकुमारी में भी मैकडोनल्ड का शॉप ओपन हो चुका है, ये सामने देख रहा है। और यहाँ पर एक मद्रासी रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम शायद भूल गया, अच्छा रेस्टोरेंट है, आप लोगों को पता हो तो बताना। वो भी अच्छा है, मतलब वहाँ पे भी अच्छा चाय नाश्ता मिलता है, मैंने सुना हुआ। ये सामने बीकानेर वाला भी है, मतलब अच्छा शॉप ओपन हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देख ली, सामने मंदिर है अर्धकुमारी का, और हम लोगों ने पर्ची ले ली थी, तो पर्ची में आया 385वां नंबर, जो कि वो बोलना है कल आएगा 10-11 बजे तक। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अब भवन की तरफ बढ़ चलते हैं, और सुबह वापसी में आते हैं अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों जय माता। तो दोस्तों अर्धकुमारी से निकल के फिर थोड़ा सा रेस्ट करने बैठ गए, और पीछे देख सकते हैं आप पहाड़ी वाला क्षेत्र, मज़ा आ रहा है, लेकिन कुछ भी क्यों यार। तो दोस्तों पहुंच गए थे हेमकोटी, पीछे देख रहा हूँ ये हेमकोटी का ही है, लेकिन हम लोग हेमकोटी नहीं रुकेंगे, हम लोग क्या है सीधे निकल जाएंगे। तो हम लोग सीधे ही चल रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा तेज हवा में उड़ने पता है, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता ही होगा, बताने का मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए। तो उनके अभी एक एम्बुलेंस भी हम लोगों ने जाती देखी। तो दोस्तों सामने भी देख सकते हैं लोग मन्नत करके भी आते हैं, और सामने भैया लेट के आ रहे हैं, और ये सामने गाड़ी ये बहुत परेशान कर रही है मुझे सुबह से ही। तो देखिए दोस्तों वो लेट से हुए आ रहे हैं, सामने खड़े ना भैया, वो देखिए वो सामने ऐसा भी कर। हाँ जी, तो दोस्तों वो जो आपने देखा होगा, जो फोटो दिखाते हैं वाइट कलर की जो बिल्डिंगें होती हैं वैष्णो देवी की, बस वहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग दोस्तों, बस थोड़ी ज़्यादा देर मुश्किल नहीं है, ज़्यादा 15-20 मिनट का फासला है, बस पहुँच ही रहे हैं, और पहुँच के जस्ट आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखो कितना प्यारा सजाया है, हालाँकि पानी गिरता है, और मैं कीचड़ में चल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बराबर दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं। हेलो, तो दोस्तों पहुँच चुके हैं माता रानी के प्रांगण में, और सामने देख रहे हैं आप लोग लाइन लगी हुई है, और डेकोरेशन तो यार मस्त किया, एक नंबर, मज़ा आ रहा है दोस्तों। बस हम लोग अब लॉकर रूम में सामान रख के हम लोग को भी लाइन में लगना है, तो हम लोग अब लाइन में लगने वाले, और आप टाइम देख लीजिए हम लोग कितने टाइम पर पहुँचे दोस्तों। तो लगभग दोस्तों 7:30 बजे पहुँच गया हूँ, मतलब कि हम लोग 3:30 बजे चले थे, और 7:30 बजे पहुँच गए, मतलब कि हम लोगों ने 4 घंटे का सफ़र किया है, और लगभग डिस्टेंस बताऊँ तो शायद मेरे फ्रेंड ने बताया था 10-1 किलोमीटर के आसपास है, तो हम लोगों ने 4 घंटे में कवर कर लिया। अब दोस्तों हम लोग अब लॉकर रूम आ रहा है सामने, और लॉकर रूम में सामान रखने। हाँ जी, तो दोस्तों अब हमने आगे आपको वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अब हम लोग क्या लॉकर रूम में अपना सामान वामान रखने जा रहे हैं, और उस वजह से क्या मोबाइल भी रखा जाता है, और बेल्ट वगैरह, मतलब पर्स मर्स सभी कुछ चीज़ें रख देते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दर्शन करने के बाद ही मिलूंगा दोस्तों। तो तब तक बाय दोस्तों। सामने देखिए बर्फ़ गिरी हुई है, ये दिख रहा है बर्फ़, और बर्फ़ के साथ साथ डर भी लग रहा है, क्योंकि अपने हनुमान जी जा रहे हैं।
जी क्या है, कुछ भी चीज़ छिना सकते, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ, पता नहीं। लेकिन आप देखो सामने का बर्फ़ का नज़ारा देखिए दोस्तों, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। हम लोग की सारी थकान उतर चुकी है, हालांकि ठीक है कपड़े और जूते तो गीले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। माता रानी के दर्शन करने आए इतना तो बंद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, वैष्णो देवी में भी बर्फ़ गिर रही है। सामने देखिए दोस्तों, ये बर्फ़ है। और अभी हम लोग हैं भैरव घाटी पर, बर्फ़ तो बहुत भयंकर गिर रही है और उसके साथ साथ मुँह से धुआं भी आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों ये है सामने भैरव बाबा का मंदिर। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये भैरव बाबा का मंदिर है। और हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है दोस्तों, और ये पूरा आप देख लीजिए पहाड़ियों का इलाका। ये सामने बर्फ़ है वो जो मैंने दिखाई आपको, और ये ऊपर का हिस्सा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक लोग सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, और ये पूरा नज़ारा देख। हवा बहुत तेज़ चल रही दोस्तों, ठंड बहुत भयंकर लग रही है। यहाँ पर नो सिग्नल हो गया है टीवी का भी, तो अपन चलते हैं यहाँ से, हो गए जितना भी होना था। दोस्तों आप लोगों को सामने दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये सामने बादल हैं, देख रहे हैं बादल है, और पूरा बादल है उनसे घिरा हुआ है दोस्तों। ये सामने आपको जो वाइट वाइट दिख रहा होगा ना, पूरा बादल है दोस्तों। तो दोस्तों ये भैरव बाबा का मंदिर मैंने आपको बाहर से दिखाया था, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सारे श्रद्धांजलि लाइन में लग कर जा रहा है अंदर। और ये भैरव बाबा का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, बोलो जय भैरव बाबा की। अब मैं आप लोगों से सीधा हो सका तो अर्धकुमारी में। दोस्तों हम लोग का था भैरव बाबा से निकलने का 9:30 बजे का टाइम, अब देखते हैं अर्धकुमारी कितने बजे पहुंचते हैं। दोस्तों मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो ये क्या है, बट हिरन टाइप का ही दिख रहा है, इसके सींग है। अब आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, ये देख रहे हैं आप, पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये बंदर महाराज खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे निःशुल्क प्रसाद मिलता है सांची छत में, तो अब हम लोग प्रसाद ही लेना है थोड़ा सा मतलब। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रसाद ले लिया था, यहाँ चाय भी मिलती है दोस्तों, और ये हलवा और चने का प्रसाद है। और टेस्ट की बात करें तो भाई प्रसाद का टेस्ट कहीं बताते नहीं है, टेस्ट तो अच्छा ही होता है, और वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है दोस्तों उसका। हाँ जी, तो दोस्तों पहुँच चुके थे अपन। हाँ जी, तो दोस्तों अर्धकुमारी, और अर्धकुमारी में हम लोगों ने नंबर लिया था 385 नंबर, अभी क्या है 200 नंबर आया है, और टाइम लग जाएगा। और हमारी गाड़ी क्या है नाइट में, इस चक्कर में हम लोग निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, और देखते हैं नेक्स्ट टाइम हो सका तो हम लोग को दर्शन होंगे माता रानी के। हालांकि जब फर्स्ट टाइम आए थे जब हमने दर्शन कर लिए थे, लेकिन ये सेकेंड टाइम नहीं हो पाए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक और यूट्यूब पर जो आइसक्रीम बताते हैं अपने वैष्णो देवी यात्रा की तरफ, ये वही आइसक्रीम है दोस्तों। और ये अंकल जो बैठे ना ये सामने, ये वही हैं, ये आइसक्रीम पे लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये वही आइसक्रीम है। तो दोस्तों मैंने आइसक्रीम ट्राई करी, आइसक्रीम ट्राई करने में पता चला कि वो दूध और खोए की थी, उसमें थोड़ा सा खोपरा भी मिला हुआ था। और टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट तो बढ़िया था दोस्तों, मज़ा आ गया वैसे। हाँ जी, तो दोस्तों पहुँच चुके हैं बाणगंगा बाथिंग घाट, जो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों नहा लिया, तो हम लोग आए नहीं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आप लोगों को इसका भी नज़ारा दिखाना बनता है, तो मैंने सोचा चलो दिखा देता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ मुँह हाथ धोने आए, आप थोड़ा सा बाणगंगा का जल ले लेते हैं, अर्पण कर लेते हैं अपने ऊपर, चलो ठीक है वो भी हुआ है। तो मैं आपको एक बार बात बाणगंगा दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये देख रहा है ये बाणगंगा ही है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, वो एक्चुअल में क्या हुआ दोस्तों, बाणगंगा के बाद मेरा मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया था, और बैटरी पूरी लो हो गई थी, चार्जिंग पॉइंट मुझे कहीं नहीं मिला, और फिर मैं डायरेक्टली ट्रेन में आके आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं वैष्णो देवी यात्रा के रेलवे स्टेयरिंग से बात करूँ तो दोस्तों वो तो बहुत बढ़िया था, खाने की भी बढ़िया सुविधा है दोस्तों, आप लोगों को वहाँ पर लंगर की भी सुविधा मिल जाएगी। गुलशन कुमार का लंगर होता है जो शाम 4 बजे तक चलता है, हम लोगों ने वो लंगर भी किया दोस्तों, और ऊपर साथ ही चलता आप लोगों को प्रसाद भी मिलता है दोस्तों, वो भी निःशुल्क रहता है। और ट्रस्ट की तरफ से भोजनालय भी वहाँ पर आपको मतलब
इतना होगा नहीं, मतलब 80 रुपए के समथिंग आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, मतलब 45 रुपए में राजमा चावल मिल जाएंगे, 40 रुपए में मतलब कड़ी चावल, मतलब बहुत से आइटम है वो 7 रुपए की चाय बनती है दोस्तों। और टेस्ट की बात करें तो भाई एक नंबर टेस्ट लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया दोस्तों खा के। और बताना चाहूँगा वहाँ पे वैसे तो भी ये भी हुआ है दोस्तों, उसमें अपने जो लिफ्ट जाती थी ना ऊपर, वो भी जाते चलता है, हेलीकॉप्टर भी जाता है दोस्तों, पिल्लू भी जाता है, घोड़ा भी जाता है, और पालकी वगैरह, मतलब सभी चीज़ की अब सुविधा हो चुकी है। और टीन शेड की बात करूँ तो लगभग पूरी यात्रा में आपको टीन शेड मिलेंगे, आपको कहीं भी ऐसा खुला नहीं मिलेगा। हालाँकि एक दो जगह पर थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ा सा है, मतलब लगभग पूरे मतलब रोड पर आपको टीन मिलेगा, मतलब ऊपर से जो शेड आते हैं ना छाया, तो छाया मिलेगी आपको, कहीं ऐसा खुला खुला एरिया नहीं मिलेगा दोस्तों। और वो बस सब ठीक ठाक था, बढ़िया ही रहता था, बड़ा मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलती रहे दोस्तों। और अगर मुझसे कोई इस वीडियो में ऊपर नीचे हो गया हो तो मुझे बताते रहिएगा। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भैरव बाबा से लेकर नीचे तक का टोटल डिस्टेंस कवर होता है 12.5 के आसपास, मतलब 13 किलोमीटर के आसपास में कवर होता है। और अगर आप अर्धकुमारी भी जाना चाहते हैं गर्भगुण गुफा, तो उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, कम से कम 3 दिन के आसपास आपको चाहिए चाहिए। मान लीजिए जैसे 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, तो 48 घंटे तो यही होगा ट्रेन ही ट्रेन के, और 30 घंटे और पकड़ लिए, मतलब 4 दिन मैक्सिमम आप 4 दिन में पूरी यात्रा कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। अगर आप अर्धकुमारी भी जाते हैं और अर्धकुमारी में गर्भगुण के दर्शन करते हैं, तो आप लोगों को 4 दिन में पूरा सा पैकेज तैयार हो जाएगा दोस्तों। और बाकी तो सब ठीक ठाक, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और तब तक हाँ हाँ जी दोस्तों, अब मेरे ब्लॉग का ये वाला वैष्णो देवी यात्रा का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ दोस्तों। और अब आपके लिए अगला ब्लॉग मैं नेक्स्ट एपिसोड में लाने वाला हूँ जल्द से जल्द, वो भी आप लोग देखते रहिए, देखना दोस्तों, उसमें भी बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट में अब उसी के लिए करने जा रहा हूँ, करूँगा मतलब अगली बार से नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, इसमें नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी थोड़ा सा आराम करूँगा, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा करके मेरे थोड़े हाथ पाँव समझ गए, हाँ लोग समझ जाए, आप लोग तो समझ गए होंगे, आप लोग भी वैष्णो देवी का कोई ना कोई तो गए ही होगा, और जो गया होगा उसको पता है कि भाई वैष्णो देवी का क्या हाल होता है। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।